खबर राजस्थान के जोधपुर से है, जहां जोधपुर में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए तो अशोक गहलोत ने कहा कि हम किसी तरह की हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। राहुल गांधी ने खुद ने कहा कि हिंसा करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत ने रविवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि इस हिंसा में मेरा नाम लेकर बातें करना गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तो सीएम ने दो बार यात्राएं निकाली और उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने अतिरिक्त पुलिस बल लगाकर रक्षा की थी। सीएम के सभाओं में चुनरी और कंगन पहनने के बारे में चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि जब दुल्हन आती है तो मुंह दिखाई लेती है, यह भी उसी की तरह ही आई है। तो वहीं अशोक गहलोत ने जो कांग्रेस पे आरोप लगाए गए थे, भी जो पथराव किया गया है जोधपुर में, जो कथित तौर पर पथराव जो सामने आ रहा है, वो पथराव जो है कांग्रेस ने किया है, इसको लेकर जो है अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। रिपोर्ट एक्सक्लूसिव आपको सुनाने जा रहा है, वो पूरी की पूरी बात जो अशोक गहलोत ने अपने बचाव में और जिस प्रकार के आरोप लग रहे थे उसको लेकर कही है। जरा सुनिए अशोक गहलोत ने क्या कहा। 12 के अंदर फायदा मिला किसानों को, उसको देरी क्यों कर दी, इसका जवाब इनको देना चाहिए। हमारी स्कीम अच्छी अच्छी थी, दवाइयों की थी, पेंशन की थी, किसानों के ब्याज माफ़ की थी, सब बंद क्यों कर दी, ये जवाब तो देती नहीं है। ये खाली यात्रा निकाल करके गौरव किस बात का मना रही है भाई, ये कुशासन था आपका, जनता में आक्रोश है। और ये इस बार सबको मालूम है कि इस सरकार के जाना सुनिश्चित हो गया है, घबराहट में ऐसी खबरें फैला रही जिससे कि लोगों की सिंपैथी पैदा हो जाए। गौरव यात्रा को किस तरह से देख रहे हो, गौरव यात्रा किस तरह की? ये गौरव यात्रा नहीं, विदाई यात्रा है, ये वसुंधरा जी की विदाई यात्रा है। ये शहर में रैली कैंसिल करके बड़े मंत्रियों को ला रही है, जैसे अमित शाह, एक तरह से आपको कह रहा है वो बड़े हैं क्या? जो व्यक्ति का बेटा जैसा 50,000 रुपए का 3 महीने में 80 करोड़ बना सकता है, उनका बाप कभी बड़ा हो सकता है? आप कल्पना करो, अमित शाह जी बीजेपी अध्यक्ष हो सकते हैं, पर जिनके सुपुत्र 80-50 हज़ार रुपये को 80 करोड़ बदल दे 3 महीने के अंदर, इनको जवाब नहीं देना चाहिए हिंदुस्तान की जनता को? राउडी बार बार पूछ रहे हैं, रफेल सौदा इतना बड़ा हुआ है, 500 करोड़ के लगभग जो फाइटर प्लेन था रफेल, उसको बढ़ा के 1500 करोड़ में ले गए 1.5 साल में, उसका जवाब आज प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, अमित शाह जी दे रहे हैं, वो बड़े काय के हुए। अब वो जो पिछली बार कहा था कि हम जो है ब्लैक मनी लेके आएंगे विदेशों से, एक रुपया लेके नहीं आए। इन्होंने कहा था हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे प्रतिवर्ष, आज 5 साल पूरे होने आए हैं, कोई रोजगार नहीं मिला है, किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे, सब देख रहे हो क्या है। तो आज कोई वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे व्यापारी छोटा व्यापारी हो, मध्यम व्यापारी हो, किसान हो, युवा हो, छात्र हो, एससी के लोग हो, एसटी के लोग हो, कौन सा वर्ग इनसे खुश है ये बता दे। वो लोग के बड़े काय के हुए, ये आगे बड़ी मीटिंग कर सकते हैं क्योंकि साधन इतने इकट्ठे कर लिए नोटबंदी के बाद में, करोड़ों अरबों रुपये बना दिए लोगों ने, आज इनके ऑफिसर बन रहे हैं, ज़मीनें ले रहे हैं आधी अधूरी दामों के अंदर, जहाँ की सरकारें हैं, करोड़ों अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं ऑफिस बनाने में, ब्लॉक के ऑफिस बनेंगे, इनके जिला ऑफिस बनेंगे, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? इनके बड़े बड़े जो मीटिंग होती करोड़ों रुपये खर्च करते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है? फिर भी कहते हैं बहुत ट्रांसपेरेंट लोग हैं, इनकी पोल खुल चुकी है। अच्छा, मोदी जी आएंगे चाहे अमित शाह जी आओ, चाहे डेरा डाल दो भले, वो कैंप करे जोधपुर के अंदर, मुझे खुशी होगी, मेरा सौभाग्य होगा, जो क्षेत्र मेरा है वहाँ से जो है मोदी जी अमित शाह जी कैंप करे पूरे राजस्थान का, मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ का, मिजोरम का, पूरा कैंपेन यहाँ से चलाएँ, मुझे खुशी होगी। क्योंकि मारवाड़ के लोगों की, जोधपुर के लोगों की ताशीर में है कि हम कैसे स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, पलक पावड़े बिछाते हैं, वो सब बिछाएंगे। पर वो वसुंधरा जी खुद नहीं बोल रही है, उनके अंदर का अहम, उनका घमंड, उनकी जो महारानी साहिबा है, वो कभी चुनरी, कभी हांसली, कभी वो पायल, पता नहीं क्या क्या पहनती रहती है। मैंने कहा अभी एक मीटिंग के अंदर कि जब
बहू आती है घर में तो मुंह दिखाई का पैसा लेती है, वो देते हैं सासू ससुर देते हैं। कितनी बार मुंह दिखाई दिखाई दिखा करके आप वोट मांगोगे? इस बार जनता मुंह दिखाई का वोट नहीं देने वाली है, दिमाग में रखो आप लोग। ओके, ऐसे रिश्तों की संदेश देता है, इसके लिए बहुत बहुत पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई है मेरी। सर, गौरव यात्रा में मुख्यमंत्री पे कल पत्थर फेंके गए, तो आज ही सुबह एक प्रेस वार्ता करके और राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर कि सारी कांग्रेस की कार्यकर्मी। देखिए, सब आरोप झूठे हैं। मैंने सुना कि आज आईजी ने खुद ने कहा है कहीं पत्थरबाजी नहीं हुई है, नंबर एक। नंबर दो, हम लोग जो हैं कोई तरह की हिंसा की घोर निंदा करते हैं, लोकतंत्र में हिंसा का कहीं स्थान नहीं है। कल राहुल गांधी जी ने भी लंदन में ही बात कही है, जो हिंसा करता है उसको सजा मिले उसके पक्ष में हम लोग हैं। तो आप कल्पना कर सकते हो कि हमारे कोई कार्यकर्ता कैसे ये कदम उठा सकते हैं। ये पूरी बीजेपी की चाल है, ये बीजेपी की चाल है, वसुंधरा की चाल है। इस प्रकार नाम लेकर के मेरे बारे में जो उन्होंने बातें कही है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। क्योंकि मैं जब मुख्यमंत्री था तब मैंने जो है, आज जो इनके चहेते बने हुए हैं, आज जो इनके चहेते बने हुए हैं, वो उस वक्त में सामाजिक न्याय मंच से काम करते थे। उन्होंने जालौर में, पाली में, राजस्थान भर के अंदर इनका भयंकर विरोध किया था, इनकी यात्राओं को डिस्टर्ब किया था। मैं मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा कर्तव्य था कि मैं उस यात्रा को पूरी तरह कहीं डिस्टर्ब नहीं हुई सुनिश्चित करूँ। मैंने सब जगह एक्स्ट्रा फोर्स लगा करके सुनिश्चित किया, इनकी पूरी यात्राओं को मैंने निकलवाया। और तो और, जब प्रधानमंत्री वाजपेयी जी आए थे तब भी मैंने इन्हीं सामाजिक न्याय मंच के लोगों को सुबह 3 बजे जयपुर में अरेस्ट करा करके जेल भेज दिया, और वाजपेयी जी की सभा को जो वसुंधरा पक्ष में थी उसको मैंने कामयाब किया। ये वसुंधरा की हिम्मत कैसे हो गई मेरे जैसे व्यक्ति के बारे में ऐसे कमेंट करने की, ये मैं उनसे पूछना चाहूँगा। उसका जवाब उनको राष्ट्रीय जनता को देना चाहिए कि आपके खुद के कार्यकर्ता नाराज है पिपाड़ के अंदर, आपके कार्यकर्ताओं ने 7 दिन तक धरना दिया वहाँ पर, वहाँ कांग्रेस बीजेपी कुछ नहीं थी, सब ने जो लोकल इश्यू था पंचायत समिति का उसको लेके धरना दिया गया, 3 दिन तक भूख हड़ताल की गई, पिपाड़ को बंद रखवाया गया, गर्मी भूख हड़ताल की गई और हाईकोर्ट तक में केस आया है। उनका गुस्सा था और गुस्से के अंदर मान लीजिए किसी ने काला झंडा दिखा दिया उसको लेके इतना बवंडर खड़ा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि काला झंडा दिखाने से तो उम्र बढ़ती उल्टी, जब कभी हमें काले झंडा दिखाए गए बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा, हमने कभी भी एतराज़ नहीं किया। अगर कोई शांतिपूर्वक रूप से काला झंडा दिखाता है ये लोकतंत्र में परंपरा रही है, परंतु क्योंकि महारानी साहिबा है, इनका घमंड और अहम आसमान सातवें आसमान पर है, ये काले झंडे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कोई विरोध में कमेंट करे, इनका मंत्रिमंडल के मेंबर हो, मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो हमारी आम जनता को बर्दाश्त कैसे कर सकती है? इस प्रकार की हरकतें की सोच के साथ में अगर राजनीति करोगे कभी कामयाब नहीं हो सकती।